हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमीशी होनावर आपसे फिर हेलो बोलने आई हूं और आज मैं आपको हिंदी में वीडियो बना रही हूं। और कैबिन क्रू या कॉकपिट क्रू होने के जो मतलब कि नुकसान है, जो नुकसान वाली बात है, जो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, वो आपको बताने आई हूं। तो सबसे पहले है जेटलैग। जेटलैग यानी कि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो उसके हिसाब से टाइमिंग्स वगैरह में और जो थकान महसूस होती है फ्लाइट में, जो पैसेंजर भी आते हैं बोलते थकान हो गई, हम आज तो बस आराम करेंगे, तो यही बात क्रू के साथ भी होती है कि बहुत जेटलैग हो जाता है। अब जेटलैग तो है कि क्योंकि हम कंटिन्यूस ऑन द टोज खड़े होते हैं तो हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कभी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि वेरिकोज वेन, बिकॉज कंटिन्यूस ब्लड फ्लो जो है वो नीचे जाता है पर जो वापस हार्ट को आना चाहिए वो ठीक से नहीं होता है, इसलिए हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर जेटलैग के बाद है डिप्रेशराइजेशन। प्लेन में एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशराइजेशन। मतलब उस कंडीशन में अगर हम काम करते हैं तो हमें डेफिनेटली बहुत थकान होती है। पैसेंजर तो जो है वो बैठ के जाते हैं तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन क्रू के लिए ये आम बात है कि उनको डिप्रेशराइजेशन रोज फेस करना पड़ता है और उनको थकान बहुत हो जाती है, बॉडी जैसे बहुत ही लथार्जिक और टायर्ड हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत चीज़ें फॉलो करनी है, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रेस्ट, बहुत अच्छे से सोना है। हाँ, सोने पे से ये भी बात याद है आई कि नींद तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है, बिकॉज फ्लाइट्स के वक्त के टाइम से, चाहे रात की हो या सुबह की हो, हमें उस हिसाब से जागना है। चाहे इंडिया में जाना है या US में जाना है, हमें उस हिसाब से 15 घंटे, 16 घंटे, 4 घंटे, अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग देशों के अलग अलग टाइमिंग्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो नींद का भी प्रश्न मतलब उठता है कि हमारी नींद इनफ हो नहीं पाती, इसीलिए एयरलाइन हमको घर पे वापस लौटने के टाइम रेस्ट देता है और इसका हमें फुल उपयोग करना चाहिए। कोई भी रूटीन एयरलाइन में फॉलो नहीं कर सकता है कि भाई इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, इतने बजे खाना खाया, या तो रूटीन इवन फ्रेंड सर्कल के तौर पे हम फ्रेंड सर्कल को कोई टाइम नहीं दे पाते कि मैं इस दिन घर पे हूँ, मिलूँगी। हमारे वक्त से हमें मिलना होता है जब हम घर पे होते हैं, तो एक ये भी है कि कोई भी रूटीन नहीं होता है। हमारे जो बाल है, नाखून है और स्किन है, इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो रूखे से और उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है डिप्रेशराइजेशन की वजह से, तो हमें इसका भी ख्याल करना है कि हम बहुत सारा पानी पिए, लिक्विड्स, पानी, जूसेस ये ज़्यादा पीना चाहिए। एंड अगेन एज आई सेड, डाइट एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी बात है कि हॉलीडेज। हाँ, हॉलीडेज़ की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जब भी आपको हॉलीडे चाहिए, शायद एयरलाइन आपको तो भी हॉलीडे देगा नहीं, क्योंकि जब हॉलीडे सीज़न होती है तभी तो लोग ट्रैवल करते हैं। कोई अपने बाल बच्चों के पास जाता है, कोई अपने देश वापस जाता है, कोई घूमने फिरने जाता है, कोई रिलेटिव से मिलने जाता है, बहुत सारी वजह है, लेकिन ये डेफिनेटली एक रिस्क है। और एक नेगेटिव पॉइंट है कि कई फ्लाइट्स पे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पे लिकर सर्व करते हैं, तो लिकर सर्व करने से कभी कभी पैसेंजर्स थोड़े मिसबिहेव करते हैं, कभी फ्लर्टी नेचर के भी पैसेंजर आ जाते हैं, तो हमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह इस टाइप के पैसेंजर को हैंडल करें, और इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उनको इवन हथकड़ियाँ हम लगवा सकते हैं जैसे ही हमारा उतरता है। दूसरा ये है कि हमारी जॉब काफ़ी रिस्की है क्योंकि प्लेन्स, जैसे आपको पता है, हाईजैक्स हो सकते हैं, कोई बॉम्ब लगा सकता है, कुछ क्रैश हो सकता है पानी में, लैंड में, तो जॉब बहुत ही रिस्की है और शायद इसी वजह से एयरलाइन हमें इतना अच्छा पे पैकेट देता है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आप अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ अमीशी साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में लिखिए और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।